बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के डोमिसाइल नीति लागू करने के विरोध में जनाधिकार पार्टी के द्वारा पटना की गर्दनी बाग में महाधरना का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि डोमिसाइल नीति को हटाना बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात है। इससे बिहार के युवाओं के लिए अवसर की कमी हो जाएगी। यह बिहारी युवाओं का अपमान है। यह बिहार सरकार का एक आत्मघाती कदम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलने को लेकर के जाप के कार्यकर्ता 9 जुलाई को NH चक्का जाम और 16 जुलाई को रेल चक्का जाम करेंगे। लेकिन शिक्षक नीति में बाहर के शिक्षक आके अपनी भाषा में हमको क्या बताएंगे? वहाँ की भाषा अलग, वहाँ की संस्कृति अलग, बाहर से लोग आएंगे उनको हमारी जो भाषा है बिल्कुल सरल भाषा है, हमारा लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का लैंग्वेज अलग है, हम भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही, हम इस चार भाषा में रहने वाले लोग हैं। आप बाहर से ले आइएगा कन्नड़ उड़िया अनर भाषा में तो हम क्या, हमारी इंग्लिश हमारा बहुत स्ट्रांग शुरू से नहीं है। तो इसीलिए किसी भी कीमत पर यह अधिकार सिर्फ बिहारियों का है, क्योंकि बिहार और बिहारी सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा, हम साक्षरता की बात नहीं करेंगे, अशिक्षित रियल में जो इंटर के बाद भी शिक्षा होती है, हम सबसे ज्यादा नीचे हैं, रोजगार में नीचे हैं। इसीलिए डोमिसाइल नीति आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन की सरकार से, और विशेष तौर पर राजद के पास ये शिक्षा विभाग है और लालू यादव जी को इस मामले में बिल्कुल समझ है, मेमोरेंडम भी मिले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू यादव जी इसमें हस्तक्षेप कर तेजस्वी जी से और मुख्यमंत्री जी से बात कर 8 लाख शिक्षक के भविष्य और आने वाला जो बिहार के बच्चे हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं उसके रोजगार को ढा छीना जाए और इस नीति को लागू किया जाए। ऐसे समय में यह नीति राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती है और बिहार और बिहारी के बच्चों के लिए भी आत्मघाती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पिछले दिनों निशिक्षक नियुक्ति को लेकर के डोमिसाइल नीति लागू कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार से बाहर से भी आने वाले लोग अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, जिसको लेकर के लगातार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इसका विरोध कर रहे हैं।